हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर चैनल आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बड़े लेवल पे 2528 पोस्ट पे आपके हरियाणा गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है लेक्चरार की पोस्ट आने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अकॉर्ड्स न्यूली क्रिएटेड पच्चीस सौ अट्ठाईस पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक है ग्रुप बी की वैकेंसी एकेडमिक सेक्शन ठीक है तो बहुत ही बड़े लेवल पे पोस्ट आ रही हैं आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अलग अलग बता रखा है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस कॉलेज में जो है इतनी इतनी पोस्ट खाली है इस इन सब्जेक्ट्स के अंदर ठीक है तो बहुत ही बड़े लेवल की आप वैकेंसी बोल सकते हो और इनकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जो है आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो जो बच्चे अपना जो है तैयारी कर रहे हैं ये सोच के तो आप जो है अपना सीरियस होकर तैयारी करना शुरू कर दो क्योंकि कभी भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है अगर आप जो है इसकी पी चाहते हैं तो ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर आप ज्वाइन करोगे तो एन क्लासेस के नाम से मिल जाएगा तो वहाँ पर जो है आप इस पी को आपको ये मिल जाएगी ठीक है अब यहाँ पर देखो भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज नेम ऑफ कॉलेज सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर डिटेल दे रखे पे स्केल जो है सत्तावन से लेके एक लाख जो है बयासी एज पर सेवन सी ठीक है तो जी सी कैंट कॉमर्स की चार कंप्यूटर साइंस की दो ठीक है तो अम्बाला कैंट में जो है आपकी कंप्यूटर साइंस की दो वैकेंसी हम स्पेशली कंप्यूटर साइंस बाकी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी है टोटल नाइनटीन पोस्ट हैं यहाँ पर जी नारायणगढ़ ठीक है अगेन कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर एक वैकेंसी है टोटल सोलह पोस्ट हैं जी सी सहा यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस की जो है आपकी एक वैकेंसी है टोटल नाइन है जी सी डब्ल्यू अम्बाला सिटी यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर साइंस का एक है टोटल यहाँ पर पाँच जो है पाँच है जी सी डब्ल्यू शहजादपुर यहाँ पर भी जो है आपका यहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर नहीं है इसके बाद डिस्ट्रिक्ट भिवानी डिस्ट्रिक्ट भिवानी में जो है आपकी टोटल 82 पोस्ट हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी है जी सी डी डब्ल्यू भिवानी यहाँ पर जो आपका केमिस्ट्री कॉमर्स कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर दो वैकेंसी हैं टोटल अगर बात करें तो थर्टी पोस्ट यहाँ पर है ठीक है लोहारू लोहारू में टोटल जो है थर्टी पोस्ट हैं और कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो टोटल तो एक वैकेंसी है जी सी शिवानी यहाँ पर जो आपकी कंप्यूटर साइंस की एक पोस्ट है टोटल जो है आपकी दस वैकेंसी है इसके बाद जो है जी सी जी सी जी काल कालरू यहाँ पर जो है आपका कंप्यूटर साइंस नहीं है ठीक है भिवानी खेड़ा तो भिवानी खेड़ा में भी जो है आपका कंप्यूटर नहीं है जी सी डब्ल्यू बहल यहाँ पर टोटल आपकी दस वैकेंसी है मतलब कुल मिला के ये है कि आपके ऑलमोस्ट जो है दस सब्जेक्ट सॉरी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं यहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस है और एक वैकेंसी है फिर लोहारू में आपका कंप्यूटर साइंस है यहाँ पर भी एक वैकेंसी है टोटल फोर्टीन पोस्ट है तो आम में टोटल फिफ्टीन है मैं आपको पी शेयर कर दूंगी आप देख लेना कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट अवेलेबल है ठीक है जीसी कला अगर अब हम बात कर रहे हैं चरखे दादरी की चरखे दादरी में जो है आपका बोंद कला में टोटल जो है टोटल नाइन है फिर मंडी हरियाणा यहाँ पर टोटल नाइन है जी सी डब्ल्यू बाडड़ा में आपकी बीस है ठीक है फिर डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद फरीदाबाद में जो है जीसी फरीदाबाद में आपकी टोटल सिक्सटी नाइन पोस्ट हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर टोटल छः हैं ठीक है ठेके? फिर जीसी खेड़ी गुर्जन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की जो है एक वेकेंसी 10 है टोटल दस हैं जीसी मोहाना टेन है तिगोन इक्कीस बल्लभगढ़ नाइन जी सी जी नाचोली यहाँ पर जो है आपकी टोटल चार हैं फरीदाबाद इक्कीस उसके बाद है फतेहाबाद फतेहाबाद में जो है आपका भाटू कला पंद्रह जीसी बुहाना बहुना बारह रतिया पंद्रह तोहा तुहाना पच्चीस बूंदिया खेड़ा सात रतिया ग्यारह ठीक है फिर आपका गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट आता है तो द्रोणाचार्य जो है आपका यहाँ पर आपकी टोटल फिफ्टी एट पोस्ट हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस की तीन है फिर जिसी नगर टोटल जो है दो वैकेंसी है जिसमें कंप्यूटर साइंस की एक है फिजिकल एजुकेशन की एक है फिर जाटोली हेली मंडी हेली मंडी में टोटल आपकी तेरह वैकेंसी हैं उसके बाद जो है जिस रितोज में आपकी छः वैकेंसी हैं फिर सेक्टर नाइन गुड़गांव यहाँ पर टोटल ट्वेंटी नाइन है जिसमें कंप्यूटर साइंस की चार हैं फिर सिद्रावली में सात है जिस माणेसर में नाइन है आ, सेक्टर फिफ्टी टू गुड़गांव जिसमें आपकी दो वैकेंसी हैं सेक्टर फोटीन गुड़गांव यहाँ पर आपकी टोटल एटी वन वैकेंसी है और जिसमें कंप्यूटर साइंस की जो है सात वैकेंसी है तो ये जो कॉलेज है सेक्टर फोरटीन वाला यहाँ से मैंने अपनी एम की थी भाई ठीक है तो इसके बाद जो है आपका हिस्सा जिसमें आदमपुर टोटल ट्वेंटी थ्री बिलासमंद पाँच फिर बरवाला बीस हाँसी पच्चीस हिसार पैंतालीस देख लेना कहाँ पर कितने कितने खेड़ी चोपड़ा चौप चौपाटा यहाँ पे छः मंगाली छ छः नालवा दस नानो सिक्सटीन फिर तो इसके बाद है उकलाना छः दत्ता पाँच उंगलन आठ हिसार पैंतीस फिर है झज्जर झज्जर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बादली बहादुरगढ़ बहु बिरोहर छारा दु, दु, दुबलधन माजा दुबलधन जिसको बोलते हैं फिर दु, दु, दुजाना झज्जर ठीक है फिर मातनहेली फिर आपका बहादुरगढ़ फिर जो है आपका जासाखेरी फिर कुलाना फिर आपके जींद की बात करें तो अलेवा फिर जींद फिर जुलाना नरवाना, सफी दो ठीक है फिर है आपका पीलू खेड़ा जींद सफी दो फिर कैथल की बात करें तो कैथल राजोंद गुल्हा चिका कालायात फिर आपका करनाल है जिसमें असंध खरखोंदा करनाल माटक मटाक माजरी बस्तली जुंदला, पटा फिर तारोई फिर ये सारे जो हैं आपका करनाल फिर कुरुक्षेत्रा, ठीक है फिर कुरुक्षेत्रा में आपका भेरियान चमुकलान पलवल फिर महेंद्रगढ़ अटेली चिलोर छिल चिलो, छिलरो चिलो, कनीना कृष्णानगर, महेंद्रगढ़ नारनोल सतनाली सिम्हा अटेली महेंद्रगढ़ फिर आपका नांगल चौधरी नारनोल उनहानी फिर नूह है आपका बिसार अकबरपुर नगीना ठीक है फिर तरोन फिर पुनहाना फिर सलहेरी फिर हाथी होडल पलवल बाद बदोली मंडकोला ठीक है फिर आपका पंचकुला आता है जिसमें आपका बरवाड़ा फिर आपका जीसी कालका ठीक है रायपुर सेक्टर वन पंचकुला सेक्टर फोर्टीन पंचकुला फिर डिस्ट्रिक्ट पानीपत बहरामपुर जीसी इसराना पानीपत मंदल मलोंदा फिर जीसी बावल जाटूसाना कानवाली खर खारा फिर जीसी कोसली नाहर रेवाड़ी रेवाड़ी बावल गुरवारा फिर आपका पाली फिर रोहतक की बात करें तो जसिया महम सापला मोखरा लाखन माजरा रोहतक सापला रोहतक फिर ठीक है फिर सिरसा दबवाली अलग अलग नाम है वही कलन वाली रनीना सिरसा सिरसा फिर सोनीपत बरोटा खरखोदा मोहाना सोनीपत गुहाना मुरथल फिर यमुनानगर फिर आपका जो है यमुना बिलासपुर छरोली फिर रादरपुर ये इस तरीके से सरस्वती नगर मुस्तफ़ाबाद ठीक है तो टोटल ये है भाई और इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग सब्जेक्ट के कितने कितने कंप्यूटर साइंस की मिनिमम एक तो है ही और मैक्सिमम जो है वो छः से सात भी हमने देखी है किसी किसी में ठीक है तो ये था आपका टोटल तो आई होप आप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये जो वैकेंसी आपको जल्द ही जो है देखने को मिलेंगी बाकी इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी तो बहुत ही बड़ी आप बोल सकते हो कि गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे इन वैकेंसीज़ का और इसके क्या जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा किस तरीके से आपको क्या करना है क्या सिलेबस रहने वाला है सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में सिलेबस के लिए आप कितने इंटरेस्टेड हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई इसका सिलेबस सिलेबस बताना है या फिर सेलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये सारी चीज़ें बतानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर कीजिएगा तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तो तक के लिए बाय टेक केयर थैंक यू